हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। दोस्तों, आज हमारे पास है दो फोन, पोको X2 एंड Realme 6 Pro। आज इस वीडियो में इन दोनों फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा इन दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट है या कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डिजाइन के बारे में। दोनों फोन का जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग अलग है। Realme 6 Pro में बैक साइड की तरफ एस कट डिजाइन दिया है, एक ग्लॉसी लुक मिलता है। आप जब हाथ में लोगे तब आपको पता चलेगा प्रीमियम जैसा लुक देता है। लेकिन इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो पॉलीकार्बोनेट का है, यहाँ पे ग्लास बैक नहीं दिया है। तो मैं कहूंगा बैक केस लगा के जरूर रखना, वरना यहां पे क्रैचेस वगैरह आ सकता है। जबकि दोस्तों पोको X2 में बैक साइड की तरफ ग्लास बैक दिया है, इसका डिजाइन बिल्कुल अलग है। कैमरा के चारों ओर दोस्तों राउंड एजेस दिया है, जिसके वजह से प्रीमियम जैसा फील देता है। आपको लगेगा कि 30,000 या 40,000 रुपीस के आसपास ये स्मार्टफोन है। तो इसका डिजाइन काफी अच्छा है और बैक साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। अगर हैंड ऑफ फील की बात करोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे Realme 6 Pro हैंडी लगता है, क्योंकि वेट देखोगे Realme 6 Pro थोड़ा हल्का है जबकि Poco X2 थोड़ा भारी है। अगर आप दोस्तों डिस्प्ले के पास देखोगे, दोनों फोन का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल अलग अलग है। Realme 6 में देखोगे 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया है। और यहाँ पे ड्यूअल सेल्फी कैमरे की वजह से जो दोस्तों डिस्प्ले है वो यहाँ पे फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी है, यहाँ पे वीडियो सैंपल वगैरह देख सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया तो क्या हुआ, जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है, जो आउटपुट है वीडियो का वो काफ़ी अच्छा है। जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन वगैरह करता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और Realme 6 Pro में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, जिसकी वजह से जो स्मूदनेस है वो काफ़ी अच्छा मिलता है Realme 6 Pro में। जबकि Poco X2 में दिया है दोस्तों 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। दोस्तों यहां पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों जो कलर कंट्रास्ट वगैरह यहां पे भी काफी अच्छा मिलता है। यहां पे आप देख सकते हो वीडियो सैंपल वगैरह। और यहां पे फ्रंट साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। दोस्तों यहां पे ड्यूअल सेल्फी कैमरे की वजह से यहां पे भी फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है। और यहां पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया है, जिसके वजह से जो स्मूथनेस है वो अच्छा मिलता है पोको X2 में। अभी दोस्तों गेमिंग के पास देखोगे, Realme 6 Pro में दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट, ऑक्टाकोर चिपसेट है। काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहां पे आप PUBG HDR अल्ट्रा करके खेल नहीं पाओगे, HD एंड हाई करके खेल पाओगे, लेकिन जो ग्राफिक्स वगैरह है, जो स्मूथनेस है, जो आप कंट्रोल वगैरह करते हो, काफी अच्छा है। मैंने इसके ऊपर फुल PUBG रिव्यू किया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हो। जबकि Poco X2 में दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट। दोस्तों यहाँ पे भी काफी अच्छा प्रोसेसर दिया है, यहाँ पे भी HDR अल्ट्रा करके खेल नहीं पाओगे, HDR हाई करके खेलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी जो ग्राफिक्स है, जो कंट्रोल वगैरह है, जो स्मूथनेस है, वो यहाँ पे भी काफी अच्छा मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों फोन का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो सिमिलर मिलता है। दोनों ही फोन में लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। और दोनों ही फोन का डिटेल गेमिंग कंपेरिजन भी किया हूँ मेरे गेमिंग चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हो। और दोनों ही फोन का अलग अलग मैं गेमिंग रिव्यू भी किया हूं, सारे के सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां पे जाके सब क्लियरली देख सकते हो। और वहां पे मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन भी दिया हूं। गेमिंग का बात हो रहा है तो हीटिंग का बात कर लेते हैं। दोस्तों दोनों ही फोन में हीटिंग इशू बिल्कुल नहीं है। दोनों ही फोन को मैं यूज कर चुका हूं बहुत ज्यादा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, पबजी वगैरह खेला हूं, हीटिंग इशू बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है। बहुत सारे भाई लोग हीटिंग इशू जानना चाहता था, तो मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों ही फोन में हीटिंग इशू बिल्कुल नहीं है। बैटरी के बारे में बात करा जाए, Realme 6 Pro में 4300 mAh की बैटरी दिया है, 30 वाट का फ्लैश चार्जर दिया है, जबकि Poco X2 में 4500 mAh की बैटरी दिया है और यहां पे 27 वाट का फास्ट चार्जर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों ही फोन का दोस्तों मैं चार्जिंग कंपैरिजन किया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हो। दोस्तों Realme जो 6 Pro है ये फुल चार्ज हुआ था लगभग 1 घंटा 9 मिनट के आसपास, जबकि Poco X2 1 घंटा 30 मिनट के आसपास चला गया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वीडियो खत्म होने के बाद वो सारे वीडियो आप देख सकते हो। अगर बैटरी डेंट के बारे में बात करा जाए, दोस्तों दोनों ही फोन में अगर आप PUBG वगैरह खेलते हो तो स्क्रीन ऑन टाइम दोस्तों 6 से 7 घंटे तक देखने को मिल जाएगा। ऐसे भी दोस्तों अगर आपके चार्ज खत्म हो जाता है तो आप बाहर से घूम के आइए, चार्ज में लगा कर जाइए और आकर देखिए फुल चार्ज हो जाएगा।
तो चार्जिंग के मामले में दोनों ही फोन में दिक्कत नहीं है। दोनों ही फोन में दोस्तों साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोनों ही फोन का बहुत फास्ट है। दोनों ही फोन में टाइप सी वगैरह भी देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में दोस्तों आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिलता है, लेकिन रियलमी 6 प्रो में रियलमी UI मिलता है, जबकि पोको में दोस्तों यहाँ पे पोको लॉन्चर है उसके ऊपर MIUI 11 चढ़ा है जो कि रेडमी का है। और दोनों ही फोन का UI काफी अच्छा है। दोनों ही फोन का UI मैं बहुत ज्यादा यूज कर चुका हूँ। दोनों ही फोन में भर भर के फीचर्स देखने को मिलता है। दोनों ही फोन का टिप्स एंड ट्रिक है मेरे गेमिंग चैनल में, वहां पे जाके सारे फीचर्स आप क्लियरली देख सकते हो। मैं आपको बता दूं दोनों ही फोन में Wi-Fi कॉलिंग का फीचर्स भी दिया गया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोनों ही फोन में सभी के सभी सेंसर है, NFC को छोड़ के सभी सेंसर दोनों ही फोन में देखने को मिलता है, तो सेंसर के मामले में आपको निराश नहीं करेगा। दोस्तों दोनों ही फोन में LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दोनों ही फोन में बैक साइड की तरफ जो कैमरा बम्प है वो बहुत ज्यादा बाहर है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे बैक केस लगा के जरूर रखना, वरना जो कैमरा का जो ग्लास है, कैमरा के ऊपर जो ग्लास रहता है वहां पे क्रैचेस आ सकता है, तो आप बैक केस लगा के जरूर रखना। अभी दोस्तों बात करते हैं कैमरा की तरफ। बैक साइड की तरफ दोनों ही फोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, लेकिन जो सेंसर है वो अलग अलग है। रियलमी 6 प्रो में बैक साइड की तरफ दोस्तों 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है, और जो सेकेंडरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, थर्ड सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फोर्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, सेल्फी में 16+2 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा भी दिया है। पोको X2 में 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर दिया है, सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, फोर्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है, सेल्फी में 16+2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है। पंचुअल सेल्फी कैमरे के साथ दोनों आता है। कुछ कैमरा सैंपल यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि डे लाइट में खींचा गया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये सारे कैमरा सैंपल आपको कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सेल्फी कैमरा सैंपल या बैक कैमरा सैंपल, कुछ माइक्रो सैंपल वगैरह सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हो। दोनों ही कैमरा सैंपल मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोनों ही फोन का कैमरा सैंपल में से आपको कौन सा फोन का कैमरा सैंपल बहुत अच्छा लगा। मुझे तो दोनों ही फोन का कैमरा सैंपल अच्छा लगा। दोनों ही फोन का कैमरा सैंपल इक्वल है। ऐसे भी दोनों ही फोन का अगर आपको कैमरा रिव्यू देखना है तो हमारे चैनल के ऊपर है लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां पे जाके दोनों ही फोन का कैमरा कंपैरिजन भी देख सकते हो। कंपैरिजन नहीं, दोनों ही फोन का अलग अलग डिटेल में रिव्यू किया हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। अभी दोस्तों बात करते हैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन या कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोनों ही फोन किलर है, आपको जो फोन पसंद आता है वो ले लीजिए। दोनों ही फोन किलर है, दोनों ही फोन में से एक फोन को चुनना बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। दोनों ही फोन किलर है, आपको जो फोन पसंद आता है वो ले लीजिए। हाँ कुछ कंडीशन मैं आपको देता हूँ, अगर आपको ग्लास बैक चाहिए, थोड़ा बहुत बैटरी ज़्यादा चाहिए, रिफ्रेश रेट ज़्यादा चाहिए, ग्लास बैक वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ पे पोको X2 के पास देख सकते हो। अगर आपको ग्लास बैक के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट है तो चलेगा, टेलीफोटो लेंस वगैरह अच्छा लगता है, यहाँ पे रियलमी का ब्रांडिंग है, तो आप रियलमी 6 प्रो ले सकते हो। दोनों ही फोन क्लियर है, आपके हिसाब से आप ले लीजिए, मैं आपको बता दिया हूँ। आपको कौन सा फोन पसंद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, उसके साथ शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।